हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहीन सैयद, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे रवा इडली या सूजी इडली या सूजी और दही की इडली। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से फाइन टू मीडियम वैरायटी का रवा लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा फाइन वैरायटी का भी ले सकते हैं, इससे ये सूजी की इडली बहुत ही अच्छी बनती है। ये बहुत ही इंस्टेंट डिश है, टेस्टी भी होती है ये, और बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आज हम बिना तड़के वाली इडली बना रहे हैं। आप तड़का लगाकर भी इस इडली को प्रिपेयर कर सकते हैं, बस आपको बैटर में थोड़ा सा तड़का लगाना होगा। इसके साथ आप तड़के वाली चटनी भी यूज कर सकते हैं या बिना तड़के वाली चटनी भी। तो आज इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास सूजी ली है और उसमें हम एक ग्लास ही दही ऐड करेंगे। ये दही मैंने घर पर जमाई है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसे अच्छी तरह से फेंटना ना भूलें, वरना इसमें लम्स रह जाते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट इस वक्त ऐड कर देते हैं। इसे हम थोड़ा धीरे धीरे मिला लेंगे। अगर आपके पास विस्क है तो विस्क से भी ये बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल इसमें हाफ कप ही पानी ऐड कर रही हूँ, वरना इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा थिन हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देते हैं, ताकि इसमें जो सूजी हमने यूज की है वो अच्छी तरह से दही के साथ फूल कर सेट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ एन आवर हो चुके हैं, ये बैटर अच्छी तरह से फूल कर सेट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है। तो अब हम इसे पहले साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और ये जो इडली के स्टैंड्स हैं, इसे सबसे पहले हम ग्रीस कर लेते हैं। सारे स्टैंड्स को हम इसी तरह ग्रीस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने सारे स्टैंड्स को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके सारे जो इडली के प्लेट्स थे, अब हम ये जो बैटर है इसको चेक कर लेते हैं। आप इसे देखें तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आप इसमें इनो मिलाएंगे। इनो हमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मिलाना है। अगर आप पहले मिलाकर रख देंगे तो ये जो इडली है ये स्पॉन्जी नहीं होगी, ये फ्लैट हो जाएंगी। इसीलिए पानी भी मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है और मैंने सारे स्टैंड्स को भी मैंने ग्रीस कर लिया है। तो ये इनो मैं इसमें ऐड कर रही हूं। ये इनो मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून भर के। जैसे आप देख सकते हैं, ये 5 ml का टीस्पून होगा। ये पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बैटर अच्छे से फ्लफी सा हो गया है बिल्कुल ही। इसे एक डायरेक्शन में बस 10-15 सेकेंड्स के लिए अच्छी तरह से घुमा लें। बहुत ज्यादा ना घुमाएं, वरना इससे भी इसके अंदर जो एयर बबल्स बने हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। तो अब हम इडली के स्टैंड्स में इसे पोर कर लेते हैं। तो जेनरस अमाउंट ही पोर कर रही हूं मैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप यहां पर देख सकते हैं ये किस तरह पर है, और ये अच्छी तरह से बैटर फूल भी गया है। तो इसी तरह हम सारा जो है बैटर से इसे भर लेंगे। तो अब हम स्टैंड को असेंबल कर लेते हैं। इसके ऊपर हम एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे इन इडलियों के स्टैंड को। जहां पर ये छेद है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें लगाना है। जैसे अब यहां पर हमने छेद रखा हुआ है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो इडली का पोर्शन है ये हम इस तरह से रख देंगे। जहां छेद है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे ऐड करते जाएं इस तरह से, ताकि स्टीम उसमें से अच्छी तरह से ऊपर आ सके। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर स्टीमर में ऑलरेडी पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हमें जो इडली का स्टैंड है ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसे हम कवर कर लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं ताकि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पर करेंगे और 5 से 7 मिनट कुक कर लेंगे। अगर आपने इडली का बैटर ज्यादा ऐड किया है और मोटी इडली है तो फिर उसे 10 से 12 मिनट लगेंगे, और अगर छोटी छोटी इडली बनाई है तो उसे 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो इसे थोड़ी देर में चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली भी यहां पर तैयार है, ठंडी हो चुकी है और ये अच्छी तरह से फूल भी गई है। इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से स्टीम इसका जाने तक रुकेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इडली अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है। इसे बस इस तरह से अगर आप स्क्रेप कर लेंगे तो ये देखिए कितनी बेहतरीन जो है ये इडली बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसको कितनी अच्छी तरीके से एरेशन भी हुआ है और कितनी अच्छी से जाली भी फूटी है। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। इस
सूजी की इडली बहुत ही इंस्टेंट भी रेसिपी होती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपीज को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।